नमस्कार, मैं हूं कविता। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वहीं रंजन गोगोई, जो देश के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ जस्टिस चमलेश्वर समेत तीन और जजों के साथ मीडिया के सामने आए थे, ये वही रंजन गोगोई हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कामकाज के तरीकों पर कड़े आपत्ति दर्ज करवाते हुए चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जजों में एक तीखी बहस देखने को मिली। ये घटना अपने आप में इसलिए भी ऐतिहासिक थी क्योंकि इससे पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने चीफ जस्टिस के कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठाए थे। लेकिन अब वही जस्टिस रंजन गोगोई देश के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने उनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर होंगे और परंपराओं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है और सीनियोरिटी के हिसाब से जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद सबसे ऊपर आते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे की जाती है। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर कोई स्पष्ट प्रक्रिया का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। किसी निश्चित प्रक्रिया का जिक्र नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुनते वक्त परंपराओं का पालन किया जाता है और वरिष्ठता के आधार पर चुनाव होता है। जो जज जितने लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में है वो उतना ही सीनियर माना जाता है, लेकिन अगर दो जजों की नियुक्ति एक ही दिन हुई हो तो फिर शपथ प्रक्रिया के लिहाज से इसे तय किया जाता है, यानी जिसने पहले शपथ ली हो वो दूसरे से सीनियर हो जाता है, जैसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस चमलेश्वर के वक्त हुआ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दोनों की नियुक्ति एक ही दिन हुई थी, लेकिन 4 महीने छोटे होने के बावजूद दीपक मिश्रा को चीफ जस्टिस इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने जस्टिस चमलेश्वर से पहले शपथ ली थी। देश का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, इसके लिए सरकार और जुडिशरी के बीच एक प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है, जिसके तहत कानून मंत्रालय रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस से ये जानकारी मांगता है कि उनके बाद अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। इसके बाद चीफ जस्टिस वरिष्ठता के आधार पर अगले नाम की सिफारिश करते हैं। चीफ जस्टिस फैसला लेने के लिए कॉलेजियम की सलाह भी ले सकते हैं। चीफ जस्टिस से सिफारिश मिलने के बाद कानून मंत्रालय ये सिफारिश सरकार को करते हैं और फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ अगले चीफ जस्टिस का चयन हो जाता है और राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाते हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं होती है, सरकार चीफ जस्टिस की सिफारिश के आधार पर ही फैसला लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।